हम आए डॉल्फिन शो देखने, डॉल्फिन शो पास में जाके देखते तो और मजा आएगा। चलते नीचे की तरफ।
जो देखा वो पूरा डॉल्फिन शो था। जापान में ऐसा डॉल्फिन शो होता है। अभी हम जा रहे हैं आगे और सारी एक्वेरियम में जा रहे हैं जहाँ जापान की बहुत सारी अलग अलग तरह की मछलियाँ देखने के लिए जा रहे हैं। जो डॉल्फिन देखी थी वो पूरी ऐसी दिखती थी, ऐसे डॉल्फिन से इतनी बड़ी बड़ी अंदर। बड़ी बड़ी फिश देखने को मिलने वाली है ना, बहुत ही जल्दी आने वाला है। नीचे तो प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने बोला था बड़ी बड़ी फिश आ चुकी है। इसके भी शोज होते हैं यहाँ जिसपे वोल्टेज दिखता है कितना करंट दे पाती है। वो सारे अंदर दिख रहे हैं ना, जो सारे अंदर दिख रहे हैं पूरे इसके जैसे दिख रहे हैं। The skeletons for the shark here, original sharks.
सासु हा हा ओ सामी ऐसा कुछ बोलते हैं मुझे इसको भी सिम लगा जा हैमरेड शिक्षु के देखो इसको भी क्या लगा मेरा बहुत है ये कितना गंदा दिख रहा है ये सारे वही है इतने छोटे से कितना बड़ा हो गया हाथ डाल के ये माइक्रोस्कोपिक एग्स है जो दिखते हैं माइक्रोस्कोप में दिख रहे हैं अंदर माइक्रोस्कोप है ना उसके अंदर से दिख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक शेल्स ये देखो शंख ये एक्वेरियम इतना बड़ा है कि फर्स्ट फ्लोर से लेके अंडरग्राउंड तक पूरे अलग अलग टाइप की फिश है देखते हैं अभी ऊपर जा रहे हैं हम ऊपर पहले देखते हैं कि नीचे अंडरग्राउंड जाएंगे फिर अंडरग्राउंड में देखते हैं और ये कुछ सख्त से दिखने वाला है ऐसा इंडिया में हो ही नहीं सकता यहाँ पर क्यों चीज स्कूबा डाइविंग करता था ये नज़र ऐसे दिखता पूरा अंदर से ये बाहर से दिख रहा है शार बहुत ही मस्त है।
रखी है उसमें, जिसमें आजू बाजू सारी फिश दिखी है। जो हमने वो साइड से देखा था उसके नीचे ऐसा होता है पूरा अंडरग्राउंड वाटर के अंदर, ऐसे पूरा अतरंगी चीज़। सो आज मैंने कागोशिमा का डॉल्फिन शो और ये फिश टैंक जो है, मैंने बोला था मैंने पिछले वीडियोस में कि मैं जाऊंगा, मैं आ चुका आज, सारे देख चुका। ऐसा होता है ये कागोशिमा का पूरा एक्वेरियम। आपको अगर अच्छा लगा हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, और ऐसे वीडियोस में और बताते जाऊंगा। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय।